मित्रों, पिछले दिन मैं कर्नाटक के एक शहर मणिपाल पहुंचा था। मणिपाल जो कि मैंगलोर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है और उसका एक शहर उडुपी से 6 किलोमीटर। यहाँ बहुत सारे कॉलेज हैं जो माहे के नाम से जाना जाता है। जब मैं इस शहर पहुंचा तो यहाँ की सफाई, यहाँ की व्यवस्थित लाइफ स्टाइल को देखकर दंग रह गया कि वाकई बहुत ही साफ सुथरा और बेहतरीन तरीके से बसाया हुआ एक ऐसा शहर है जहाँ हमारे देश के कोने कोने से विद्यार्थी इंजीनियरिंग, मेडिकल और बहुत सारे कोर्स को करने आते हैं माहे में। मैंने यहाँ पर एक बात को गौर किया कि कहीं भी आपको गंदगी नजर नहीं आएगी, कहीं भी ठेला और खोमचा वाला आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। चारों ओर स्टूडेंट ही स्टूडेंट, विद्यार्थी ही विद्यार्थी आपको नजर आएंगे। एक तरफ MIT बिल्डिंग है, माहे मणिपाल की बिल्डिंग है, और दूसरी ओर कुछ होटल और प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी है। वाकई बहुत ही खूबसूरत यह जगह है। विद्यार्थी यदि चाहें तो यहाँ खूब पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि लगभग 60 देशों के स्टूडेंट MIT में पढ़ते हैं और लगभग 100 से अधिक ऐसे देश हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जहां इस कॉलेज के विद्यार्थी अपनी इंजीनियरिंग करते हैं। यही वह होटल था जिसमें हम रुके थे। ये अब मणिपाल से उडुपी की तरफ जाने वाला शहर है। इसके बगल में ही MIT और माहे का कैंपस है। चारों ओर हरियाली छाई हुई। ये MIT का पोस्टल बिल्डिंग है, न्यू इंटरनेशनल हॉस्टल ब्लॉक है। यहाँ NRI, विदेशी और कुछ ऐसे बच्चे जो 2 साल की इंजीनियरिंग भारत में करते हैं और 2 साल वो विदेश में जाकर करते हैं, विदेशी यूनिवर्सिटी में करते हैं, उन बच्चों के लिए बनाया गया यह हॉस्टल का ब्लॉक है, न्यू इंटरनेशनल हॉस्टल। इस 4 दीवारी के अंदर बाएं तरफ जितना भी प्रॉपर्टी है, बताया हमें गया कि लगभग 800 एकड़ में फैला हुआ यह क्षेत्र है। सचमुच बेहतरीन ढंग से बसाया हुआ शहर है। ये रास्ते का है, यह आगे रास्ते का कैप्चर किया हुआ है। मेरे ख्याल से यह अंतिम में सूरत कल आ गया, जहां एक NIT, बहुत ही प्रसिद्ध NIT स्थापित है।